Hi, welcome to my channel. In this video, we will discuss IELTS speaking section. There are three parts in IELTS speaking, part 1, part 2 and part 3. Part 1 and part 3 में तो examiner जो आपसे questions करता है, आपने 2-3 lines में उसका answer जो है वो देना होता है. But in part 2, आपने अपने answer को एक जैसे story, आपको एक वो cue card दिया जाता है और आपने वो cue card का answer करना होता है. जैसे कोई भी situation हो सकती है, कि डिस्क्राइब एनी स्पेशल डे और समथिंग लाइक दैट. मेन चीज़ है, जब आपको क्यू कार्ड देता है एग्जामिनर, तो मेन थिंग है कि एकदम आइडिया आपके जहन में क्लिक करे, कि आपको एक आइडिया आ जाए. तो फिर जब आइडिया आएगा तो फिर आप जो है उसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए फॉर आइल्स राइटिंग एज वेल एज फॉर आइल्स स्पीकिंग. तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर, अगर एग्जामिनर आपसे पार्ट टू में कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि आपने कोई ऐसा डे बताना है जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो, तो एकदम से आपके जहन में आइडिया क्लिक करना चाहिए कि कौन सा वो दिन था और मैंने किसकी हेल्प की. वन डे व्हेन आई वाज ऑन द बस आई सॉ अ प्रेग्नेंट वुमन स्टैंडिंग बिकॉज देयर वर नो एम्प्टी सीट. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर. So I decided to do something nice. I stood up and offered her my seat. She looked surprised and thanked me with a warm smile. I felt happy knowing that I could help someone. Okay, now आपने यहाँ पे form of verb का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. Second form use करनी है, third form use करनी है, क्योंकि ये आप एक story सुना रहे हैं जो past में हो चुकी है. तो आपने जो है वो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. फर्स्ट फॉर्म भी किसी सिचुएशन में यूज़ हो सकती है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो यूज़ होती है जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो पास्ट. एज वी चैटेड आई लर्न शी वॉज ऑन हर वे होम फ्रॉम वर्क एंड हर फीट वर टायर्ड. इट मेड मी रियलाइज दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस लाइक गिविंग अप माई सीट कैन मेक अ बिग डिफरेंस फॉर अदर्स. From that day on, I always try to be aware of those around me and lend a helping hand when I can. So, ये सिर्फ एक sample answer था from which you can get the idea. और main thing speaking में और writing में, इन दोनों में ideas पे depend करती है. आपको idea होगा कि इसके क्या reasons हो सकते हैं, किस तरह से आप situation जो है वो imagine करके, तो फिर आप examiner को explain करते हैं in the form of speaking or in the form of writing. और आपके पास टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए जिससे आप एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज़. होप यू विल लाइक इट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.